कर्मधारय समास के अंतर्गत कर्मधारय की परिभाषा को आगे बढ़ाते हुए जिस समास में उपमान एवं उपमेय हो वहां कर्मधारय समास का प्रयोग होता है। जिस समास में उपमान एवं उपमेय हो वहां कर्मधारय समास का प्रयोग होता है। जैसे मुखम कमलम इव बराबर मुख कमलम, मुखम कमलम इव बराबर मुख कमलम। मुख्य उपमा किससे दी गई है? कमल से। तो जहां उपमान और उपमेय हो वहां कर्मधारय समास का उपयोग किया जाता है। पुरुषः व्याघ्रः इव बराबर पुरुष व्याघ्र। पुरुष की उपमा किससे दी गई है? व्याघ्र से। उपमान और उपमेय, जहां उपमान और उपमेय होगा वहां कर्मधारय समास होता है। रूपक कर्मधारय भी होता है, जैसे सो देह इव पिंजरम, देह देह इव पिंजरम बराबर देह पिंजरम। देह कैसा है? तो पिंजरा के समान। कर कमलम इब बराबर कर कमलम। तो कहने का मतलब है कि जिस समास में उपमान और उपमेय हो, जिस समास में उपमान और उपमेय हो वहां कर्मधारय समास का प्रयोग होता है। ये चीज